नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आप लोगों का भाई ये नोटिस बहुत ज़्यादा आपका वायरल हो रहा था। ठीक है, अभी तक तो हम इसको फेक साबित कर ही चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अगर आपका ये ऑफिशियल होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 8 बजे से आपका वायरल हो रहा था। ठीक है, तो मैंने आपका बता दिया था कि अगर आपका ये रियल होगा, ठीक है, तो ये ऑफिशियल आ जाएगा आपका रात के 11 बजे से पहले पहले, लेकिन मैंने आपको पूरा लाइव सेशन दे के, ठीक है, पूरा दिखा दिया था, तो ऑफिशियल तो आपका नहीं आया है। ठीक है, इस नोटिस की एक और बात करेंगे कि आपको मैं ये ऑडियो सुनाऊंगा। ठीक है, इस ऑडियो को सुनने के बाद भी आपको कंफर्म होगा कि आपके एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुए हैं, आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो 17 जुलाई से ही हैं। ठीक है, देखो, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हैं, पहले आप ये ऑडियो सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है जी सर। सुशील जी सर, भैया रजिस्ट्रार के पीए से बात हुई है, एग्जाम होंगे। एग्जाम होंगे, वो लेटर जो है वो फेक न्यूज है। अच्छा, ना? हाँ, तो वो कह रहे हैं, रजिस्ट्रार के पीए से बात हो रही थी मेरी अभी थोड़ी देर पहले, जब आप कॉल कर रहे थे तो बात हो रही थी। जी सर, जी सर। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि राजेश जी कोई एग्जाम कैंसिल नहीं है, एग्जाम होगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक है सर। 9 बजे ट्रेन है, बच्चे बैठे हैं निकलने के लिए, बोल देते हैं निकलेंगे। नहीं, वो उनसे बात हो गई है। देखो भाई, रजिस्ट्रार के पीए से बात हुई है, इससे ऊपर मैं बात नहीं कर पाता हूँ। नहीं नहीं, सही बात है, ठीक है ना। तो अगर वो कह रहे हैं तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो जो सर न्यूज वायरल हो रही है, फेक है ना? ये फेक है, बिल्कुल फेक है, क्योंकि वो खुद रजिस्ट्रार के पीए खुद कह रहे हैं कि भैया ये फेक न्यूज है, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे को भी अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई कि एग्जाम कैंसिल है। ठीक है सर, ठीक है ना। तो अभी तक उनके पास भी कोई न्यूज नहीं है। ठीक है सर, ठीक, ठीक है ना। ठीक है सर, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, ओके भाई। तो चलिए, आपने वो ऑडियो सुन ली होगी, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, जो ये आपका नोटिस है, ठीक है, पहली बात तो जो आपका नोटिस है, मतलब लास्ट टाइम पे ये जो चीज़ें हो रही हैं आप लोगों के साथ, ठीक है, लास्ट टाइम पे ये ऐसे ऐसे नोटिस आना, ठीक है, फेक नोटिस आना है ना, मतलब एक दिन बाद ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो इन चीज़ों से क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, ठीक है ना। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जितने ज़्यादा हो सके हम इन चीज़ों को रोकें, इतने है ना, जितना भी ज़्यादा हो सके हम इन चीज़ों को रोकें, हमें ये प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मान लो चलो किसी ने फेक नोटिस वायरल कर भी दिया है ना, मान लो अगर किसी ने फेक नोटिस वायरल कर भी दिया है, या अगर किसी से ये फेक नोटिस गलती से वायरल हो भी जाता है, तो इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। इसमें यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, चलो ये नोटिस आपका वायरल हुआ, ठीक है, और बच्चों के पास पहुँचा, और बच्चों का क्योंकि एग्ज़ाम है एक दिन बाद ही, तो बच्चों के अंदर तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा ही कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और कुछ बच्चे रास्ते में हैं वो भी ये सोचेंगे कि अब मतलब एग्ज़ाम की तरफ जाएँ या अपने घर की तरफ जाएँ, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन इस केस में यूनिवर्सिटी का क्या रोल है, क्या जितने भी लोग हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, क्या अब हम इन चीज़ों को कंफर्म करेंगे कि ये नोटिस फेक है या रियल है, क्या हम इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे? मतलब हम यूट्यूबर्स जितने भी हैं, क्या हम इन चीज़ों पे चर्चा करके कहीं से सबूत इकट्ठे कर करके ऐसे आप लोगों को बताएंगे कि हाँ ये नोटिस फेक है, ये नोटिस फेक है? मतलब यूनिवर्सिटी का कोई दायित्व नहीं है कि चीज़ों को क्लियर करना, कि एक ऑफिशियल नोटिस दे के, क्या यूनिवर्सिटी का कोई दायित्व नहीं बनता है कि एक ऑफिशियल नोटिस देकर अपने बच्चों को कंफर्म करें, उनकी संतुष्टि बनाए और उनको मतलब काम डाउन करें कि हाँ ये नोटिस फेक है और अभी आपका एग्ज़ाम 17 तारीख से? क्या यूनिवर्सिटी का कोई मतलब ही नहीं है? मतलब यूनिवर्सिटी तो ऐसे सोई हुई है जैसे वो तो कुछ जानती नहीं है। बच्चा देखे, अपने आप देखे, है ना, यूट्यूब वालों से सुन लो, है ना, चाहे यूट्यूब वाला गलत बताए चाहे सही बताए, कोई मतलब नहीं है ना। मतलब हम चीज़ों को कंफर्म करेंगे, हम हो गए, है ना, आपके कॉलेज वाले हो गए बेचारे, वो भी इधर उधर से कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी में फ़ोन कर रहे हैं रजिस्ट्रार को, है ना। अब रजिस्ट्रार से फ़ोन नहीं हो रहा है तो उससे नीचे वाले को से बात की जाएगी, सीधी सी बात ये है ना। तो मतलब कॉलेज वाले कन्फर्म करेंगे, हम लोग कन्फर्म करेंगे, इधर उधर के जो बच्चे हैं जिनकी थोड़ी बहुत पहुँच है वो कन्फर्म करेंगे, यूनिवर्सिटी का लेकिन कोई दायित्व नहीं है, वो अपना आँख बंद करके बस बैठी हुई है, ठीक है ना। मतलब यार, जब 15 तारीख को नोटिस आ सकता है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इससे रिलेटेड नोटिस क्यों नहीं आ सकता कि हाँ ये नोटिस फेक है? और अगर ये नोटिस रियल है तो जल्दी से जल्दी अपलोड क्यों नहीं होता, है ना? दोनों चीज़ों में फ़र्क है ना। अगर ये नोटिस आपका ही है तो आप इसको जल्दी से अपलोड क्यों नहीं करते? और अगर अगर ये नोटिस फेक है तो आप इसको फटाफट से बताइएगा भाई, अदर नोटिस डाल के कि ये नोटिस फेक है, ताकि बच्चा अपने एग्ज़ाम की तरफ जाए ना कि घर की तरफ। क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे मेरे लाइव सेशन में, जब मैंने देखा कि सर मैं इस स्टेशन पे हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, तो मैंने यही कहा है कि भाई एग्ज़ाम की तरफ जाओ, एग्ज़ाम 17 तारीख को ही है, क्योंकि किसी बच्चे का भी एग्ज़ाम नहीं छूटना चाहिए, साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ है ना, इस चीज़ को यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए कि हाँ एक नोटिस वायरल हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत
क्रूशियल है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ें। अगर कुछ भी होगा बहुत तेज़ी से वो वायरल होगा, उसको किस कैसे रोकना है वो यूनिवर्सिटी को देखना है पहले, तो हमसे पहले यूनिवर्सिटी को देखना है कि हाँ मैं एक फटाफट से नोटिस जारी करूँ और बताऊँ कि ये नोटिस फेक है, या कॉलेज वालों को बताए। कॉलेज वाले यार, कॉलेज वालों को तो यूनिवर्सिटी क्या है बताएगी, कॉलेज वाले खुद यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं कि भैया बता दो ये नोटिस फेक है या रियल है। मतलब इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल मैंने किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है सच में बताऊं तो। और इस साल तो इतनी ज़्यादा हद कर दी यूनिवर्सिटी ने कि मतलब वो अपने नोटिस ही नहीं कंफर्म कर पा रही है, या कोई अगर फेक नोटिस दे भी रहा है उसको नहीं कंफर्म कर पा रही है कि वो फेक है या रियल है। तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो रही हैं पता नहीं क्यों, और बच्चा सही में बहुत ज़्यादा परेशान है, और इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई में डिस्टर्ब होता भी है सही बताऊँ तो। तो चलिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया था ठीक है। बाकी मैंने वो लाइव सेशन 11 बजे तक इसलिए किया है देर तक, ताकि आपको एक कंफर्मेशन हो सके, ताकि आप, क्योंकि पता है अगर मैं इतनी लंबी लाइव नहीं करता, देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वो व्यूज़ का चक्कर है ये वो ऐसे, देखो ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं वो इतनी लंबी लाइव ना करता तो अगर कोई और वीडियो बनाता फिर आप उसकी देखते, कोई तीसरा वीडियो बनाता फिर आप उसकी देखोगे, फिर चौथा बनाएगा, तब भी तो आप टाइम वेस्ट ही करोगे, तब कौन सा आप अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लोगे, तब भी आप लोग टाइम वेस्ट करोगे। इससे अच्छा मैंने आपको कंफर्म 11 बजे तक जग के बताया है कि हाँ ऑफिशियल नहीं आया है, 3-4 घंटे हो चुके हैं। अगर रियल होता सच में इतने क्रूशियल टाइम पे नोटिस अगर आता है और रियल होता है तो आधे घंटे के अंदर एक घंटे के अंदर ऑफिशियल कर दिया जाता है। तो 11 बजे तक मैं इसलिए जगा हूँ आप लोगों के साथ ताकि आपको कन्फर्म हो सके ठीक है। और ये ऑडियो भी मैंने सुनाई है, तो सीधी सी बातें बेचारे कॉलेज वाले भी प्रयास कर रहे हैं कि हाँ बता दो बच्चों को, क्योंकि उनको फिक्र है बच्चे जा रहे हैं रास्ते में, लेकिन यूनिवर्सिटी को कोई फिक्र नहीं है। यूनिवर्सिटी तो आँख बन करके ऐसे सोई है कि भाड़ में जाए बच्चे, भाड़ में जाए इनके एग्ज़ाम, और भाड़ में जाए बारिश है ना, भाड़ में जाए कुछ भी दिक्कत हो किसी को भी, यूनिवर्सिटी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं इस अपनी वीडियो के माध्यम से यही गुहार करूँगा यूनिवर्सिटी से, यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि कल हो सके, कल अगर कल भले ही कल संडे हो कोई दिक्कत नहीं है, नोटिस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस फिर भी आते हैं ठीक है। अगर कोई जिम्मेदार पर्सन हो तो वो नोटिस निकलवाता है ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी अगर जिम्मेदार होगी तो कल कम से कम ये तो बताएगी एक नोटिस निकाल के कि ये नोटिस फेक था या रियल था ठीक है। रियल होगा तो ये नोटिस अपलोड कर देगी, अगर फेक होगा तो कम से कम ये तो बता देगी जल्दी से जल्दी 10 बजे से 11 बजे तक कि हाँ ये नोटिस फेक है। कम से कम इतना तो आपकी यूनिवर्सिटी को कर देना चाहिए, अगर नहीं करते तो भाई फिर तो भगवान के भरोसे है ठीक है ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते इस यूनिवर्सिटी का, सीधी सी बात तो ये है। तो मैं यही कहना चाहूँगा ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा ठीक है, और चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर तैयारी कैसे करें, ज़्यादा परेशान नहीं होना है ठीक है। पहली बात तो ये, जैसे मैंने रोहिलखंड के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं ठीक है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे आप देख रहे हो भैया काफ़ी मतलब पेपर उनका फंसा है ठीक है। तो आपके सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि गैस पेपर कराए रखे हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी के भी मैंने गैस पेपर करा रखे हैं ठीक है। प्लेलिस्ट में चले जाना ठीक है, प्लेलिस्ट में चले जाना, और प्लेलिस्ट में आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू के 2023 के गैस पेपर देखने को मिल जाएंगे ठीक है। 2023 के ही करने हैं, 2023 वाली प्लेलिस्ट देखनी है, बीएड फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट देखनी है, और सेकंड ईयर में तो सेकंड ईयर वाली प्लेलिस्ट देखनी है ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, और वहीं से आपका 100% पूरा पेपर आएगा ठीक है, और अच्छी परसेंटेज से आप सीसीएसयू के अंदर बीएड में पास हो जाओगे ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरी यही रिक्वेस्ट थी सीसीएस यूनिवर्सिटी को मेनली कि कल कम से कम एक नोटिस दे के बच्चों को ये अवगत जरूर कराएं, ये जरूर बताएं कि ये नोटिस फेक था या रियल था ठीक है। अगर आप कुछ